हम अकेले नहीं है, हमारे साथ स्पाइडरमैन भी है। हेलो गाइस, नमस्ते नमस्कार सबको, गुरु का प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5XL गुरु गैंग। टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रंगा नदी डैम। मेरे साथ और तीन बाइक हैं। टाइम ईटानगर से 14 तक वेदर काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसे ही 14 में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके, उसके बाद काफ़ी बारिश होने शुरू हो गया, तो हम पूरा भीग के आए यहाँ तक। अभी फिलहाल थोड़ा सा बारिश कम है तो GoPro से शूट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम है दैट वी आर विजिटिंग रंगा नदी डैम। शायद अंदर जाने के लिए कुछ परमिशन लेना पड़ेगा। लेट्स होप की परमिशन मिल जाए। आज जो भी कुछ शूट होगा वो GoPro से ही होगा। बारिश की वजह से मैं DSLR लेके नहीं आया। काफ़ी स्लो चला रहे हैं कि हम लोगों का फर्स्ट टाइम है और जो रोड का कंडीशन है वो एग्जैक्टली पता नहीं है। वो रहा डैम, प्रोटेक्टेड एरिया, डैम साइड, पिकनिक नॉट अलाउड। इसको काम है अंदर में खाने दे। ठीक है, तुम उस तरफ पकड़ के बैठो। चलो बुलावा आ गया। गाड़ियों का जो नंबर है वो एंट्री किया जा रहा है। AR01J Yamaha FC 25 Avenger 220 स्ट्रीट बजाज RS 200 बजाज Yamaha रॉक। चलो परमिशन मिल गया। थैंक यू सर। डायरेक्ट सर, थैंक यू। वो और वो देख रहे हैं वहां पे है 14, जहां से ये रंगा नदी डैम दिखाई देता है। क्रॉसिंग रंगा नदी डैम और फ्रेंड्स फाइनली वी हैव रीच। यस, आपका हालत देख सकता है, पूरा भीगा हुआ है सब। ये है जुंकर लोमी दोली दोजी, जोमिन दोजी, दोपे पादु अपु दोजी। फीलिंग वेरी एक्साइटेड आफ्टर रीचिंग दिस डेस्टिनेशन।
वी आर क्वाइट लकी हम लोगों को अभी अंदर का व्यू दिखाने वाले हैं। एक बार में दो आदमी अलाउ उल्टा चेंज करते हैं। मोटा में अभी जाना था ना, तो अभी दोनों मोटा मोटा आ जाते झमेला आ फोर्स टीम नीचे चला गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। ये लिफ्ट में एक बार में दो आदमी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग तीन आदमी जा रहे हैं। तीन में से एक हम, एक ये, चार आदमी का बराबर है और ये एक, टोटल पांच। चलता चलता इंडिया है, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। अभी हम लोग जाएंगे डैम के नीचे अंदर थ्रू लिफ्ट। ठीक है सर को बहुत बहुत थैंक यू। Guess what, guys? Right now I'm inside a dam. Quite scary. सुना ही होगा आपने। हम लोग पानी के नीचे हैं, पानी इसके ऊपर से बह रहा है। इन अंडरग्राउंड में पानी कलर होगा। इसमें वाटर है, कहते हैं वैसे एक वाला है। यही वस्तु। तो वो सुनाई दे रहा है। मेरे ख्याल से ये आसपास होता होगा। आप लोग ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ वहाँ नहीं जाते ना। चलो तो लेट्स मूव। ये तो सायरन ना, सायरन भी है। ये रेस्ट्रिक्ट पानी का साउंड सुनाई दे रहा होगा तो हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अभी हम लोग वापस ऊपर जाएंगे दो टीम में। ये क्या फर्स्ट टीम। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ स्पाइडरमैन भी है। वैसे भी हम ऑलरेडी पूरे भीगे हुए हैं, फिर भी यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो है और काफ़ी ठंडा लग रहा है यहाँ पे। अंडरग्राउंड लोकेशन है ये, काफ़ी डरावना है। हॉलीवुड का हॉरर मूवी का सेट लग रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। ये पप्पू जो गायब हो गया था, कहाँ चला गया था भाई साहब? जहाँ तक हो सकता। मेरे ख्याल से लिफ्ट वापस नीचे आ रहा है हम लोगों को लेने के लिए। आ गए हम लोग ऊपर। अब जाके जान में जान है। थैंक यू सर। थैंक यू। बारिश भी आने वाला तो अभी निकलने का टाइम है। तो गाइस आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, जितना प्लान किया था उससे ज़्यादा ही मिला। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू कमेंट टू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। दिन इतना भी अच्छा नहीं था, एक ज़ोरदार बारिश हुआ और रोड ब्लॉक। वो यहाँ ये जगह लैंडस्लाइड हुआ है, रोड खुलने का काम चल रहा है और एक गाड़ी भी फंसा हुआ है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। बेस्ट ऑप्शन है वेट ही कर लेना। एक बाइकर को मिला जो रोड के साइड से ऊपर ऊपर से आया, तो अभी हम लोग भी वहीं से जाने के लिए ट्राई करेंगे। यही है वो कार जो फंसा हुआ था किचन में। थैंक गॉड किसी को उतना नुकसान नहीं हुआ।
Yes, finally. मेरे पैर का हालत आप देख सकते हैं, साफ कर लेते हैं. रोड ब्लॉक, वो मेन साइड होगी, रोड ब्लॉक होगी ये सामने में. हाँ राइट एकदम सही जाओ, सब कुछ पैसे से तो राइट को उतना मज़ा नहीं आता जितना राइट में सब छोटा मोटा तकलीफें झेलना पड़ता, तभी जाके ये राइट जो यादगार बनता है.